आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन के लड्डू। बेसन में दूध और घी को डालकर हाथों से अच्छी तरह से मिला लेंगे। यही सीक्रेट टिप्स है दानेदार बेसन के लड्डू बनाने के। छलनी से छान लेंगे। बचे हुए बेसन को दोबारा से मिक्सी में ग्राइंड करके छान लेंगे। अब हम मीडियम आंच पे बेसन को भून लेंगे। चलिए जान लेते हैं बेसन के बारे में। बेसन में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सेलेनियम, सोडियम आदि खनिज तत्व तो पाए जाते हैं। बेसन कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रखता है, डायबिटीज़, एनीमिया, हृदय रोग को भी दूर करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, हड्डियों को मजबूत करता है और स्किन प्रॉब्लम को भी दूर करता है। जब बेसन भुन जाए तो दो बार पानी की छींटे मारेंगे। ठंडा होने के बाद हम इन्हें अलग कर लेंगे। इसमें मिक्स करेंगे पीसी हुई चीनी। इस तरह से छोटी सी कटोरी को आप नाप बना लें ताकि सारे लड्डू एक शेप में बन जाएं।